हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हम आपको हर बार की तरह एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे एक वीडियो बनाकर के दिखाने लेके जा रहे हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि बिहार के अलग अलग शहरों से अब छत्तीसगढ़ और बंगाल के लिए भी बस सेवा शुरू हो गई है। मतलब कि BSRTC की बस सेवा जो है छत्तीसगढ़ और बंगाल के अलग अलग शहरों के लिए शुरू हो चुकी है। वो कौन कौन से शहर है जिसके बारे में मैं वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही है, बिहार का पड़ोसी राज्य बंगाल है। तो बिहार से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और बंगाल के लिए बसों का परिचालन बड़ी संख्या में किया जाएगा। इन राज्यों में जाने के लिए कुछ निजी बसें और ट्रेन के जरिए लोग अभी आते जाते थे, परंतु अब BSRTC ने बिहार से छत्तीसगढ़ और बंगाल के बीच कई मार्गों पर बसों का परिचालन बड़ी संख्या में करने का फैसला लिया है। इन राज्यों में जाने के लिए कुछ निजी बसें और ट्रेन के जरिए पहले लोग आते जाते थे, मगर अब बिहार से छत्तीसगढ़ में बंगाल के बीच कई मार्गों पर BSRTC की बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। बीते दिनों राज्य परिवहन प्राधिकार की मीटिंग में बस चलाने की मंजूरी दी गई है। खबरों के मुताबिक मोतिहारी से सिलीगुड़ी के लिए बस होगी, ये दो बसें होंगी। वजीरगंज से कोलकाता के लिए बस होगी, जबकि हजारीबाग और वर्धमान के बीच में भी बसें होंगी। उसके अलावा बिहार शरीफ पूर्णिया से मोतिहारी होते हुए सिलीगुड़ी के लिए भी बस चलेगी। उसके अलावा वहीं पूर्णिया से रायगंज होते हुए दालकोला के बीच भी एक बस चलाने की परमिशन दी गई है। उसके अलावा बांका से सिलीगुड़ी होते हुए दालकोला के लिए भी बस चलेगी। पूर्णिया से भी कोलकाता के लिए बस चलेगी। इस तरीके से कई बसें जो हैं बिहार के अलग अलग शहरों से छत्तीसगढ़ और बंगाल के लिए चलाई जाएंगी, यही खबर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक करना नहीं भूलेंगे वीडियो को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि हम यूँ ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें।